आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे लीजिए पे एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू। हे गाइस, वेलकम बैक, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में हमने जैसा बताया कि लीजी पे एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है और क्या क्या बेनिफिट्स इसके हैं, वो सारे कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बाय नाउ पे लेटर करते हैं, यानी पहले खरीदते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं, यानी कुछ टाइम पीरियड आपको मिल जाता है उस वजह से ये आपको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। यहाँ ओवरऑल आप यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप एक अमाउंट देख रहे हैं, उस पर उसके बाद में डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले स्कैन है, पे वाला ये एक ऑप्शन है, पे ऑनलाइन का है, एक है एक्सप्रेस लोन का, यानी आप लोन अगर देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके का है। मुझे 1500 का लिमिट मिला था, जिसमें मैंने 250 रुपये खर्च कर दिए थे, उसका बकाया अभी तक हमने नहीं किया, तो मैंने आपको बस एक ट्रांजेक्शन मैंने सोचा था कर लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक्टिविटी सेक्शन में यानी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सेक्शन में मैं दिखाऊंगा कितने का अमाउंट किया था और क्या छोटा मोटा कैशबैक क्या मिला है, वो भी मैं आपको जरूर चेकआउट कराऊंगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे, तो कुछ इस तरीके का आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है। और बहुत सारे एप्लीकेशन है जो लेजी पे को सपोर्ट करते हैं, यानी आप जब आपको एक लिमिट मिल जाती है आपके सिविल के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको एक ट्रांजेक्शन वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ स्कैन एंड पे में कुछ नहीं था, क्योंकि वो अभी ऑप्शन आया नहीं है, और पे लेटर वाला ये जो ऑप्शन है, यानी एप्लीकेशन में हर 15 दिन पे एक बार आप पे जरूर कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन है, चाहे टाटा स्काई हो, स्विगी हो, जिनजो, तो सारी ये एप्लीकेशन है जिस पर आप कर सकते हैं। एक्सप्रेस लोन की बात करें तो अभी लोन आपको अगर अवेल करना है, यानी आपको एक अमाउंट मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट में, ताकि आप उसके टाइम पे यूज़ कर सकें और आप उसका एक इंटरेस्ट चुका सकें। तो अगर आपको ज़रूरत है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसलिए मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, अगर फ्यूचर में भी कभी अप्लाई करूँगा तो इसका एक्सपीरियंस भी वीडियो में शेयर जरूर डाल दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे है कि यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ ज़रूर चेकआउट कर लेंगे कि आपका जो भी एप्लीकेशन है जिससे आप ऑर्डर करने वाले हैं या कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, वो लीजी पे को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। लीजी पे के सपोर्ट में मतलब बकायदा आप समझिए कि एक तरह से आपको अच्छा खासा टाइम पीरियड मिल जाता है पैसे चुकाने का, 15 से 20 दिन तक भी टाइम मिल जाता है। मैंने जैसे कल ही किया है और मुझे 3 अक्टूबर, कल या परसों किया है, 3 अक्टूबर तक का टाइम मिला है उसे चुकाने का। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन है यहाँ पे, आप देख पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, खाली एक लोन का सेक्शन है, सिक्योरिटी सेक्शन है, और ये बस सिंपल इसका यूज़र इंटरफेस रखा है, सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो वेल सेक्शन अभी आया नहीं है, तो वो अभी नहीं है। एक्टिविटी सेक्शन में यहाँ पे ये देख रहे हैं, और यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं कि मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया था। मैंने 250 का ट्रांजेक्शन किया था ऑलमोस्ट, और मुझे उस पर 10 रुपये कैशबैक मिला, जो मुझे चुकाना है 3 तारीख को, यानी 3 अक्टूबर को। तो यानी आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया। मैंने देखे, जैसे मैंने बताया कि 14 सितंबर को किया है और मुझे 3 तारीख का, तो ऑलमोस्ट वही 20 से 25 दिन आपको टाइम मिल जाते हैं, 25 दिन का टाइम मिल जाता है आपको। यहाँ लिख रहा है नेक्स्ट ड्यू डेट लिख रहा है 3 अक्टूबर 2022, यहाँ आपको डेट भी मेंशन किया है। ऑटो पे भी कर सकते हैं, यानी कोई कार्ड ऐड कर लिया ऑटोमेटिक पे हो जाता है, वो है, वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे डेट आएगा उससे पहले वो पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक रिवॉर्ड सेक्शन है, वो सिंपल ऐप रखा है, कुछ ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, और जितनी ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करेंगे उतने ज़्यादा आपको कैशबैक को भी देखने को मिलेगा, और आपका जो लिमिट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अभी मुझे 1500 का मिला था और अभी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो उस हिसाब से मुझे कुछ लिमिट इंक्रीज़ नहीं किया। अभी मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करके देखा हूँ, और पहले भी यूज़ किया था तो कभी कभी यूज़ किया था, और इसके बाद अभी कंटिन्यू किया है। और कार्ड का भी एक ऑप्शन है, जिसमें अभी कार्ड अभी यहाँ पे बहुत हाई डिमांड चल रहा है, इसलिए कार्ड सब तक नहीं पहुँच रहा है। कार्ड जैसे ही मिलेगा तो उस पर 500 रुपये का कैशबैक होगा, जब मैं पहला ट्रांजेक्शन करूँगा। तो अभी हमें हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब ये एक्टिवेटेड हो जाएगा तो कार्ड वाला भी सेक्शन में आपको कार्ड को अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, और जब कार्ड आ जाएगा तो उसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाल दूंगा, तो 2-4 चीज़ें हो जाएंगी आप, और क्लैरिटी आ जाएगी लिजी पे की, और एक अलग प्ले लिस्ट में एक प्ले सेक्शन डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय या विचार डालें। थैंक यू सो मच।